गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है मंडे, आज है मेरा फास्ट, तो ये मैं कर रही हूँ यहाँ बैठ के कथा। मंदिर मेरा अलमारी के ऊपर है, तो इसलिए मुझे नीचे बैठ के ही कथा करनी पड़ती है। गुड़िया मेरे साथ बैठ के कथा सुनती है और कथा करने के बाद मैं जाऊँगी मंदिर। मैं सोमवार को कुछ ना कुछ वाइट ज़रूर पहनती हूँ, क्योंकि कहते हैं वाइट भोलेनाथ जी को बहुत पसंद होता है। बस ये हो रही है मेरी मंदिर जाने की तैयारी। मेहंदी के बाद ये बाल धोए थे, और फ्रेंड्स जब शाम को सूखे ना बाल तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की थे, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इस बार मैंने मेहंदी पहली बार इतने ज़्यादा टाइम रखी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशनिंग आई थी। बस अब मंदिर जाएंगे तैयार होकर, और मंदिर से आकर ये मेरी चेरी लग गई थी, मेरी गुड़िया लग गई थी इनको बिस्किट खिलाने। और पता है बिस्किट खिलाने के टाइम पे ना ये इनसे सब कुछ करवा लेती है। शीरू अभी हेलो नहीं सीखा है, स्टेला सीख चुकी है, तो वो उससे हेलो भी करवाएगी, इनको जंप भी करवाएगी, मतलब पूरा इन्जॉय करते हैं दोनों। ये देखिए, ये स्टेला ने हेलो दी, और शीरो इतना परफेक्ट कैचर है, आप उसको कहीं से भी कुछ भी उछाल के दे दीजिए वो बिल्कुल अपने मुंह में कैच करके ले लेता है। मेरा तो फास्ट था, तो डॉक्टर ने कहा था मुझे आलू टोस्ट खिला दो। ये मैंने आलू बॉईल करके मैश करके इसमें थोड़ा नमक और एक मिर्ची काट के डाली थी, थोड़ा सा चाट मसाला डाला था, ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ। ये मैंने लिया था नॉनस्टिक वाला पैन, इसी में मैं इसको तड़का लगाऊँगी जो मेरी आलू की पिट्ठी बनेगी। बस हल्का सा जीरे का ही तड़का लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी। और इसी पैन में फिर मैं करूंगी ये अपने ब्रेड गरम। साथ ही रखा हुआ मैंने दूध उबलना, क्योंकि मैं नाश्ता जब बनाती हूँ उसी टाइम दूध उबाल लेती हूँ, नहीं तो फिर पता है क्या, दूध रख के इधर उधर काम में लग जाओ। मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि दूध हमेशा निकल जाता है, इसलिए अब तो मैंने नियम बना लिया है कि जब भी नाश्ता बनाना है उसी वक्त दूध उबालना है। फिर क्या होता है ना कि थोड़ा जब दोपहर होने वाली होती है ना, तब तक ये ठंडा हो जाता है तो फ्रिज में रखा जाता है और अच्छी मलाई आ जाती है। जैसे दिन भर और रात भर पूरा ये रात रहता है ना फ्रिज में, तो मलाई अच्छी आ जाती है। बस ये मेरे आलू की जो पिट्ठी है वो तैयार है, अब इसी में मैं ब्रेड सेकूँगी इसी पैन में, और ब्रेड में उसको भर के टोस्ट बन जाएगा। और बस ब्रेड सेकने और भरने के बाद तैयार थे मेरे आलू टोस्ट कुछ इस तरह से, और ये बस डाकू बनकर जाने की तैयारी हो रही है राशन के डिपो पे। राशन वालों ने बुलाया था मुझे संडे को, लेकिन संडे को नहीं मिल पाया, मंडे को आज फिर जा रही हूँ, देखते हैं क्या क्या मिलता है। पहले पर्ची कटवानी पड़ती है फिर राशन मिलता है। और ये कुछ इस तरह से भीड़ थी राशन के डिपो पर, ये देखिए टेबल लगाकर यहाँ पर ये भरा जाता है राशन कार्ड का नंबर और बायोमेट्रिक किया जाता है, उसके बाद पर्ची बनती है, और सभी लोग लाइन बनाकर खड़े हैं। लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग लाइन लगवाई है इन्होंने इस बार। ये बस दोपहर को ये थोड़े मैंने येलो राइस की तैयारी की थी, जिसको हम नमकीन चावल भी बोल देते हैं। दो गिलासी मैंने राइस के लिया है, उन्हें धोकर और भिगो कर रख दिया है, थोड़ा जल्दी पक जाता है, गैस कम यूसेज होती है इससे। और मैंने घर में जितनी भी वेजिटेबल्स पड़ी होती हैं, जितनी हम डाल सकते हैं शिमला मिर्च को छोड़कर, वो मैं डाल देती हूँ राइस में। मेरी डॉटर को छोटी वाली जो न्यूट्री होती है ना, सोयाबीन का न्यूट्री जो चूरा जो न्यूट्री होता है, वो बहुत पसंद है मेरी बेटी को उसमें खाने में, तो मैं हमेशा ये राइस में डालती हूँ। ये भी मैं थोड़ा सा एक कटोरी भर के ले लूँगी, और इसे भी मैं भिगो कर रख दूँगी, जिससे कि ये अच्छे से फूली फूली मिलेगी जब वो राइस खाएगी। मैंने थोड़ी सी बीन्स ली हैं, एक आलू लिया है, एक प्याज लिया है, जितनी भी वेजिटेबल्स हो सकती हैं, विंटर्स में तो ऑलमोस्ट सारी ही वेजिटेबल्स डल जाती हैं। और मैंने ये न्यूट्री भी भिगो कर रख दी है, बस इनको छोटा छोटा काट लूँगी वेजिटेबल्स को, और फिर हम छौंक लगाएंगे अपने नमकीन चावल का। कुकर में डाल लूँगी मैं थोड़ा सा तेल, और फिर उसमें डालेंगे हम जीरा, ये ली है मैंने दूध की पतीली। इसमें मैं जितना मैंने चावल लिया था दो गिलासी, उतना ही पानी डाल लूँगी, क्योंकि आज आटा नहीं गूंदा था, मैं हमेशा अपनी दूध की पतीली में आटा गूंदती हूँ, तो आज मेरी दूध की पतीली यूज़ नहीं हुई थी। बस इसी में मैं पानी डालकर रख दूँगी गैस पर, जिससे कि पानी हो जाएगा गर्म जब तक कि मेरे चावलों में छौंक लगेगा। इससे बस होगा क्या,
कि मेरे चावल थोड़े जल्दी पक जाएंगे। ये मैंने इसमें डाला थोड़ा सा जीरा, बस जीरे को हल्का सा चटकने दूंगी। मैंने दो मिर्ची काटी थी, वो जाएंगी इसमें, और जब तक वो चटकेंगी उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें प्याज। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनती हूँ मैं, थोड़ा मोटा मोटा ही रखती हूँ। जला जला सा प्याज अच्छा नहीं लगता है खाने में। और मैं ज़्यादातर ना जब भी ऐसे तड़का लगाती हूँ कुकर में, मैं ज़्यादातर बिना कड़छी या चम्मच के ऐसे ही कुकर को हिला हिला के लगा देती हूँ। ये डाल दिए हैं मैंने बीन्स और आलू, दोनों ही चीज़ें। हल्का सा, बस बहुत हल्का सा इन्हें भूनूंगी, ज़्यादा नहीं। और ये लास्ट में मैंने डाली है इसमें न्यूट्री, जो मैंने भिगो कर रखी थी। बस इसके बाद मैं इसमें राइस डाल के, पानी डाल के कुकर बंद कर दूंगी। बस ये राइस डाल के जो मैंने भिगोए थे अच्छे से, अब उनका पानी निकाल कर इनको डाल लिया है कुकर में। और जो पानी मैंने किया था पतीली में गरम, वो भी मैंने डाल दिया है। बस मैं इस ये सब डाल के कुकर कर दूंगी बंद, और रखूंगी जब तक कि हाई प्रेशर इसमें बन नहीं जाएगा। सीटी नहीं लगने दूंगी, हाई प्रेशर बनते ही इसको बंद कर दूंगी। ये तैयार थे मेरे आलू न्यूट्री वाले चावल, या कह लीजिए नमकीन चावल, या कह लीजिए येलो राइस। बस मेरा तो फास्ट था तो डॉटर के लिए ही डालने थे। इसमें डाला है मैंने 2 चम्मच मक्खन। मेरी मैडम मक्खन खाती नहीं है, लेकिन मैंने चुपके से डाल दिया था, वो वहाँ पर थी नहीं, और गरम गरम चावल थे तो मिक्स कर दिया था मैंने बिल्कुल अच्छे से, उसे पता भी नहीं लगा। उसने कहा कि मम्मा आपने घी डाला था ना, मैंने कहा नहीं मैंने मक्खन डाला था, सच मैंने उसे बता दिया था। बस वही है ना, हम माएँ कैसे ना कैसे करके चोरी छुपके खिला ही देते, में खिलाना होता है भले ही उन्हें वो पसंद हो चाहे ना हो। हो गई है शाम और आ गई हूँ मैं अपने गार्डन में। देखो गेंदे की बडिंग्स आ रही हैं, गेंदे के फूल बहुत अच्छे होने वाले हैं। मेरा पूरा प्लॉट भरा पड़ा है गेंदे के पौधों से, ये देखिए, मतलब आड़े टेढ़े गिरे पड़े जैसे भी लगे हुए गेंदे के पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं, और ऑलमोस्ट सभी पे थोड़ी थोड़ी बडिंग्स आने लग गई हैं। और मैं लाई हूँ आज फिर से कुछ गार्डनिंग करने के लिए, थोड़े से बीज लाई हूँ शिमला मिर्च के, ये देखिए आज इन्हें उगाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे, आज मैं बना रही हूँ येलो राइस का पराठा, जो कल मैंने नमकीन चावल बनाए थे बस उसी की स्टफिंग डाल के पराठा बनाऊँगी। व्लॉग मैंने शुरू किया था कल से, लेकिन कल पूरा नहीं कर पाई थी किसी कारण से, तो आज मैंने उसको कंटिन्यू किया है। बस मैं ये पराठा मैं अपने लिए भी बना रही हूँ, डॉटर के लिए भी, और इवन कि मैंने स्टेला और शीरो के लिए भी यही पराठा बनाया। स्टेला को स्टफ्ड कोई भी पराठा हो, कोई भी रोटी हो, बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू का पराठा तो वो बहुत शौक से खाती है और बिल्कुल शेयर नहीं करती है शीरों के साथ। बस जब भी आप स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं तो थोड़ा ये ध्यान रखना होता है कि आटा थोड़ा ढीला गूंदे, जिससे कि जो स्टफिंग बाहर आने की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल भी ना रहे। इसमें बस स्टफिंग भर के मैं इसको बंद करके बेल के सेक लूँगी। आप सेक लीजिए, चाहे आप तेल से सेकिए चाहे घी से, मैं रिफाइंड से सेकती हूँ। इसे सेक के बस तैयार हो जाएगा हमारा नाश्ता करने के लिए चावल वाला पराठा।
तैयार है हमारा चावल का पराठा और हम भी बिल्कुल रेडी हैं इसको खाने के लिए। डॉटर को बहुत ज़्यादा पसंद है चावल का पराठा दही के साथ, और दही डालकर ही मैंने दिया है स्टेला और शीरो को भी। बस इसके बाद मैंने गैस कर दी है बंद, लेकिन तवा अभी गर्म है। मैंने थोड़े से चने भिगोए थे थोड़े अपनी बिटिया के लिए, वो रख दूँगी इसके ऊपर, वो थोड़े अच्छे से हो जाएंगे, नमक लगा के खाए जाएंगे आराम से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। शाम हो चुकी है, मैं आ गई हूँ फिर से अपने दोनों बंदरों के साथ प्लॉट में। एक तो ये रही और दूसरा रहा ये, तो दोनों टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। व्लॉग तो मैंने शुरू किया था कल से, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाया एडिटिंग का, तो मैंने आज फिर से इसको कंटिन्यू कर दिया। और दूसरा क्या है ना कि जो मेरे को राशन के डिपो पे 3 दिन लगातार जाना पड़ा ना, उस चीज़ ने मेरा मतलब सारा ना शेड्यूल बिगाड़ दिया। अब कहते हैं ना कि भाई दो वक्त की जो रोटी है वो इकट्ठी करना भी आसान काम नहीं है, तो मतलब वो मेरे साथ चरितार्थ हो गया ये जो मैंने 3 दिन राशन के मतलब लगातार चक्कर लगाए हैं। असल में होता क्या है कि देखो, अब जो राशन का डिपो होता है ना, उस पर सभी तरह के कार्ड धारक आते हैं, जो ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं, पिंक होते हैं, ठीक है, जैसे ग्रीन मेरा है ना, ऐसे ही कितने ही लोगों का होगा। तो वहां पर ना ऑब्वियसली यार हर महीने का राशन सबको चाहिए होता है, तो बहुत भीड़ लग जाती है। मेरे को जो बेसिक नेसेसिटी वहां से होती है वो होती है आटे की, क्योंकि मेरे तो डॉग्स भी घर का ही खाना खाते हैं, तो मुझे बेसिक नेसेसिटी वहां से आटे की होती है। इसलिए फिर भाई चक्कर तो लगाना पड़ता है, जो चीज़ मिल रही है वो छोड़ता भी कोई नहीं है, है ना। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं लाऊंगी बहुत सारे बीज और कुछ पौध भी लाऊंगी लगाने के लिए, तो अगली वीडियो फुल गार्डनिंग वीडियो होगी, तो वो ज़रूर देखिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।